दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उनका नाम है काजल निषाद। बहुत वायरल हो गया, उसके बाद लोगों ने क्लिप निकाली। मगर मैं देखना चाहता था कि ये अंधभक्त, ये लोग कितना गिर चुके हैं। और जो मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं यार, तुम लोग कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हो? अपने नवरात्रे होते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं अपने यहां, कितनी देवी हैं जिनको अपन पूजते हैं, बताओ लिस्ट। तुम लोग झूठे हो यार, तुम लोग फरेबी हो, तुम लोग मक्कार हो, क्या हो गया है तुम लोगों को? माना वो कांग्रेस की हैं तो महिला, अरे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की शादी हो जाती है कहीं? उसका जो पति है वो कांग्रेसी होता है, तुम यही हरकत अपनी बहन के साथ भी करोगे क्या? तमीज, तहजीब, संस्कार सब लूट गए तुम लोग के यार, तुम लोग बर्बाद हो चुके हो, तुम लोग मानसिक तौर पे बीमार हो। और दोबारा उसका प्रमाण इसी वीडियो पे दोगे तुम लोग। मुझे तुम लोगों के माँ बाप पे तरस आता है यार, तुम लोगों के बच्चों पे तरस आता है। क्या सिखा रहे हो तुम लोग उन लोगों को? क्या हो तुम लोग? क्या हो गए तुम लोगों का? कैसी कैसी गालियां बकी है यार तुम लोगों ने। मैं वो वीडियो सब लोग देखिए और उसके नीचे कमेंट्स देखिए। 5 साल से तुम लोग सबको माँ बहन की गालियां बकते हो, अब एक औरत ने अपनी आवाज उठाई और तुमने वही काम किया जो कौरवों ने किया था, वही काम किया तुम लोगों ने। तुम ही हो, तुम्हारी ही मानसिकता के लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तुम झूठे हिंदू हो, हजार बारी बोलूंगा मैं और बोलता रहूंगा। तुम एक पार्टी की विचारधारा के हिंदू हो, तुम्हें हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अनपढ़ हो, गवार हो, जाहिल हो, निकम्बे हो, तुम लोगों की वजह से दुनिया भर में नाम बदनाम होता है। जो तुम लोग वहां लिखते हो ना, वो नेपाली भी पढ़ते हैं, वो पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, वो बांग्लादेशी भी पढ़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती यार? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इतने मतलब कंजर्व लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे यार। अच्छी अच्छी सियासत देख ली, पूरी दुनिया घुमा हुआ हूं, मगर तुम जैसे लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। मैं तुम लोगों को गारंटी करता हूं इस बात की, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारी भी बीवी होगी, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी माँ है, फूफी है, चाची है, बुआ है। कैसे बोला है तुम लोगों ने उस मतलब यू नो व्हाट, यू गाइस, तुम लोग एक तरह से टर्माइट हो, दीमक हो आज की तारीख में सामाजिक व्यवस्था के लिए। अपने परिवार के लिए दीमक बन चुके हो, समाज के लिए दीमक बन चुके हो, देश के लिए दीमक बन चुके हो। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसकी भी बेटी है अपना हाथ कभी भी अंधभक्त के हाथ में मत दे देना, आत्महत्या कर लेगी आपकी बेटी, आत्महत्या। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, ये लोग पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, भावी बलात्कारी। क्योंकि जो ये बोलते हैं वो उन लोगों की इच्छा भी होती है करने की, उनको धमकियां दी, तुम लोगों ने बलात्कार की, कैसे कैसे तुम लोगों ने वर्ड यूज करे एक महिला के लिए। अब तुम बोलोगे उसने क्या करा, क्या करती भाई, 5 साल से तुम गालियां बकरो सबको माँ बहन की। महिला को बराबर का दर्जा है अपने देश में, याद रखना, बराबर का दर्जा। तुम्हारे घर में होगा तुम्हारी माँ का दर्जा नीचे, देश में बराबर का दर्जा है। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है ना? और इनका जो रोष है ना, कभी तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना सर पे, तो हम बता रहे हैं दुर्गा को याद रखना, बचोगे नहीं, चला देगा इनका श्राप तुम लोगों को। और यही हो रहा है, तुम लोग जल के खत्म हो जाओगे, तुम्हारा खात्मा पक्का है। बहुत गलत बात है, अनबिलीवेबल।
मैं तो आज की तारीख में प्रधान सेवक को बोलता हूँ, कैसी प्रजाति आपने खड़ी कर दी यार, क्या कौन से चुनाव जीतने हारने आपको, जिस देश का समाज ही टूट चुका है वह चुनाव हार जीत का कोई मायने नहीं रखता यार, कोई मायना नहीं रखता। इनको महिलाओं की इज्जत नहीं है सर, आप बातें करते हैं, मैं गारंटी करता हूँ 5 साल का बच्चा भी अगर आपकी पार्टी के खिलाफ बोल देना उसको भी माँ बहन की गाली भुगतेंगे ये लोग। इनको कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है इन लोगों को, ये फर्जी हिंदू हैं, फ्रॉड हिंदू, 1000 बारी बोलूंगा फ्रॉड हिंदू हो तुम लोग, जो करना है कर लो। श्री राम हमारे साथ है, तुम्हारे साथ तो हो ही नहीं सकते श्री राम, कैसे हो सकते हैं श्री राम तुम्हारे साथ होंगे? अब एक गधो जाने दो ना, तुम लोग 2 कोड़ी के लोग हो तुम लोग, तुम्हें बेच के खरीद के फिर बेच जाए, आधे ज्यादा भारत ना तुम लोगों को बेच दे, खरीद ले और वापस बेच दे, क्या है तुम लोगों की हैसियत? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हो तुम लोग, भावी बलात्कारी हो, 1000 बारी बोल चुका हूं और बोलता रहूंगा। ऐसा काजल जी, आई एम सॉरी कि मैंने आपका वीडियो शेयर किया और आपको ये सब चीजें सुननी पड़ी, मगर एक बात याद रखिए, अगर आप देश के साथ हैं पहले और अपनी पार्टी के साथ बाद में हैं, तो हम जैसे भाई आपके साथ हैं, इसमें कोई दोहराया मत रखिएगा, और अगर आपकी पार्टी की विचारधारा देश से पहले आती है तो हम आपके साथ नहीं होंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।